अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान ने दिया शॉकिंग स्टेटमेंट। अभिषेक के फैंस का टूट रहा है दिल। आखिर अभिषेक मल्हान पर लग रहे हैं कौन से गंभीर आरोप? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जयसवाल और आप देख रहे हैं कलर रिपोर्टर। बिग बॉस ओटीटी के सेकंड सीजन में अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी की जोड़ी खूब रंग लाई थी। इन दोनों को फैंस खूब ज्यादा पसंद करते थे। इनकी क्यूट बॉन्डिंग को देखते हुए इन दोनों को नाम दिया गया अभिषेक। अभिषेक के फैंस को बहुत ज्यादा खुशी तब हुई जब बिग बॉस ओटीटी 2 के बाद इन दोनों का म्यूजिक वीडियो सामने आया। वहीं कई सारे फैंस को ये भी लगने लगा कि इन दोनों के बीच मोर देन फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है। इन्हीं सब के बीच में अब हाल ही में अभिषेक मल्हान ने अपने रिसेंटली दिए इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अभिषेक के फैंस का दिल तोड़ दिया है। यहाँ पर अभिषेक को लेकर बातचीत की है अभिषेक मल्हान ने। उन्होंने कहा है कि मनीषा रानी उनकी लिटिल सिस्टर है। जी हाँ, आपने सही सुना, मनीषा रानी को अपनी बहन मानते हैं अभिषेक मल्हान। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने बिग बॉस के शो में भी खुद उसे अपनी बहन बुलाया था। यहाँ पर अब नेटिजन्स का गुस्सा फूट रहा है। फैंस को लगता है कि अभिषेक की जोड़ी ने उनकी इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। तो वहीं कुछ लोगों को ये मानना है कि यहाँ पर अभिषेक को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए, इन्हें भाई बहन का मतलब समझ में नहीं आता है। आखिर में भाई बहन इस तरीके से कैसे रहते हैं? हमने इतनी शिद्दत से इन दोनों की म्यूजिक वीडियो की डिमांड की जो इन्होंने पूरी भी की। अगर इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था तो इन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट ही क्यों किया कि यहाँ पर एक फ्रेंडशिप या लव वाला एंगल बन जाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो काफी ज्यादा दुखी है, उनका दिल टूट चुका है, अब वो यहाँ पर कोई भी चीज पे बयान देना नहीं चाहते। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्यार दोस्ती है, ये दोनों दोस्त है, भाई बहन नहीं। यहाँ पर अभिषेक ने चीजों को बदलने की कोशिश की है। कई सारे रिएक्शन यहाँ पर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर मनीषा रानी क्या रिएक्शन देती है। फिलहाल अभिषेक मल्हान के स्टेटमेंट पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।